शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने किसी से बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बैसाखियों पर ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए की सरकार। सिरमौर लोकसभा सीट से सुरेश कश्यप की जीत, जीत के बाद सराहा पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप, स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच टकराव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार ने क्लियर किया अपना स्टैंड, कहा दिल्ली सरकार के साथ एग्रीमेंट है वो रहेगा जारी। शिमला में 59वां वार्षिक डांस और ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर के 1000 डांस और ड्रामा कलाकार पहुंचेंगे शिमला, हिंदी रंगमंच की स्थिति पर होगा राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार, 20 जून तक दस्तक देगा मॉनसून, मौसम विभाग केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने दी जानकारी। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भूतल परिवहन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न फोरलेन परियोजनाओं और अन्य निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागों को विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को शिमला मटौर और मंडी पठानकोट सड़कों को पूर्ण रूप से फोर लेन में विकसित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सके। राज्य सरकार कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है और दोनों फोरलेन परियोजनाएं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने दोनों फोरलेन परियोजनाओं की सुंदरता बढ़ाने और अनावश्यक रूप से पहाड़ियों को काटने के लिए सुरंगों के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यात्रियों के समय और धन की बचत होगी। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 400 पार का एनडीए नारा लगा रही थी लेकिन 300 से भी कम सीटों पर ही एनडीए को संतुष्ट होना पड़ा है। देश में एनडीए सरकार बनाने जा रही है लेकिन बैसाखियों के सहारे एनडीए सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को नकारा गया है और पीएम मोदी की लोकप्रियता भी घटी है, जबकि इंडिया गठबंधन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और देश में इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जनता ने चुनावों में बीजेपी के झूठे एजेंडे को सिरे से नकारा है और यही वजह है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इंडी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया जिसका श्रेय राहुल गांधी और गठबंधन के दूसरे नेताओं को जाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो नारा लगा रही थी 400 पार का लेकिन 300 से भी कम सीटों पर ही एनडीए को संतुष्ट होना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में भले ही एनडीए सरकार बनने जा रही है लेकिन बैसाखियों के सहारे सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो वहीं इंडी गठबंधन को मिली बढ़त को लेकर भी कुलदीप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने इसका श्रेय राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं को दिया है। सरकार जो है शपथ लेने जा रही है और मोदी साहब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सत्ता में आना चाहता था, देश की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। 400 पार का नारा धराशायी हुआ और एग्जिट पोल को लेकर मैंने प्रेस वार्ता की थी कि किस तरह से देश में एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन देश की जनता ने देश के संविधान को, देश में लोकतंत्र को बचाने की मुहिम का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी वो स्वप्न साकार नहीं हो सका।
लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत के बाद शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद जनता का धन्यवाद करने सराहा पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने कश्यप का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का आभार जताया। कश्यप ने कहा कि पच्छाद के देवतुल्य जनता ने जो उन्हें चुनाव में सहयोग किया है, उसके लिए वो पच्छाद की जनता के आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने दिन रात बीजेपी को विजय बनाने के लिए काम किया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस मौके पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गोसाई के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बधाई देना चाहूंगी माननीय सांसद जी को। इस बार जो माननीय सांसद जी उसी वाई जीत के माननीय सांसद जी दिल्ली पहुंचे हैं, मैं पूरे पच्छाद की जनता की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं शिमला सांसद क्षेत्र में 70% जो सरकार के मंत्री थे, और मैं तो कहना चाहूंगी कि अपने जो मित्र बिठाए थे बहुत ज्यादा, उन्होंने जो प्रयत्न किया उनका प्रयत्न फेल हुआ है। और इसके लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सब चाहे वो बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, ग्राम के प्रमुख, हमारे वरिष्ठ नेता, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत मेहनत की, जिसके कारण हमें जीत हासिल हुई है। मैं एक बार पुनः माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में आभार कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें पच्छाद क्षेत्र की सभी पंचायतों से भारी संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और पूरे 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। सभी कार्यकर्ता, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, और जिस प्रकार से सभी ने मिलकर कार्य किया, उसका नतीजा रहा कि 90,000 से ज्यादा वोट, 91,451 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता है। मैं जहां अपने सभी वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, वहीं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं, सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत ये जीत हम हासिल कर पाए। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को यमुना नदी से 137 क्यूसेक पानी देने को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच टकराव पर आज सुप्रीम कोर्ट के हिमाचल को पानी देने के आदेश पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओमकार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि हिमाचल सरकार और दिल्ली सरकार के बीच 2019 में 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने का एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक हिमाचल दिल्ली को पानी देगा। हरियाणा के साथ दिल्ली के टकराव पर उन्होंने कहा कि हमारा दिल्ली सरकार के साथ एग्रीमेंट है, वो जारी रहेगा। ये पक्ष हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है कि हिमाचल लगातार एग्रीमेंट के मुताबिक पहले की तरह पानी देगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ दिसंबर 2019 में एक एमओयू साइन किया था, जिसके अंतर्गत जो है हिमाचल यमुना रिवर में जो अपने हिस्से का है वो पानी वो दिल्ली सरकार को देती है। और जो आज जो मैं भी जो टीवी चैनल्स में देख रहा हूँ कि 137 क्यूसेक की बात आती है, तो ये उस एमओयू के तहत जो है हिमाचल प्रदेश पहले से ही अपने हिस्से का जो पानी है उसको जो दिल्ली को दे रहा है। और अपर यमुना बोर्ड की भी पिछले कल बैठक हुई थी, हमारा वहाँ भी हिमाचल प्रदेश सरकार का वही स्टैंड था। और यहाँ पे भी जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें भी हिमाचल को ने अपना यही पक्ष रहा कि हम 137 क्यूसेक पानी देते थे, हम यूज का अभी भी देते रहेंगे। तो हमारी तरफ से, हिमाचल की तरफ से ना पहले कोई इशू थी, ना देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हम पहले भी 137 दे रहे थे और उस एमयू के तहत हम आगे भी 137 क्यूसेक पानी देते रहेंगे। शिमला में 6 से 10 जून तक देश भर के 20 राज्यों के 1,000 से अधिक डांस
और ड्रामा कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। मशहूर टीवी कलाकार रोहिताश गौड़ की ऑल इंडिया आर्टिस्ट संस्था शिमला में 5 दिवसीय 59 वार्षिक डांस और ड्रामा प्रतियोगिता आयोजन करवा रही है। प्रतियोगिता में लगभग 24 नाट्य दल और 260 नृत्य दल हिस्सा ले रहे हैं। डांस प्रतियोगिता की आज से कालीबाड़ी हॉल में शुरुआत हो गई है और कल से ड्रामा प्रतियोगिता की भी शुरुआत होगी। पत्रकारों से बातचीत में रोहिताश गौड़ ने कहा कि कला और साहित्य का प्रोत्साहन करने के लिए ऑल इंडिया आर्टिस्ट संस्था कई वर्षों से थिएटर, ड्रामा, संगीत और नृत्य के माध्यम से काम कर रहा है। शिमला में आयोजित किए जा रहे वार्षिक ड्रामा और डांस प्रतियोगिता में इस बार 20 राज्यों की कला और साहित्य की झलक देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता में कथक, भरतनाट्यम, कथकली, गरबा, लावणी और सालसा जैसी प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिता सुदर्शन गौड़ शिमला के ही थे, हम शिमला के ही रहने वाले हैं। मेरे पापा जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी एक एसोसिएशन चलाते थे जिसका नाम है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। बलराज साहनी, मदनपुरी, प्रेम। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार को शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों के जिला ऊना, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और मंडी के कुछ भागों में तापमान हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 20 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है, वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि इस बार मॉनसून का प्रोग्रेस काफी अच्छा है, ऐसे में समय पर आने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है और एक्सट्रीम हाई रिजेस पे बर्फबारी हल्की सी हुई है। आगे का ऐसा है कि जो मध्यम और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र के जो जिले हैं वहां पे हल्का बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बाकी प्रदेश में आमतौर पर मौसम जो है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।